बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक गरीब औरत रहती थी। सरला का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसका पति कई साल पहले एक बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार चुका था और उसके बाद से ही सरला ने अपने दो छोटे बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन सरला का दिल बहुत बड़ा था। सरला ने कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश की। नवरात्रि का समय था और पूरे गांव में त्योहार की धूम मची हुई थी। हर जगह देवी दुर्गा की पूजा हो रही थी। गांव के हर घर में माता की आराधना के लिए तैयारियां चल रही थीं। लोग अपने अपने घर को सजाने में व्यस्त थे, लेकिन सरला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो भी कुछ खास कर सके। उसके घर में पूजा का आयोजन करना तो दूर, खाने के लिए भी मुश्किल से ही अन्न था। सरला का दिल बहुत दुखी था, लेकिन उसने कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। वो नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत सम्मान देती थी और हर साल किसी न किसी तरह से माँ दुर्गा की पूजा करती थी। भले ही उसके पास कम चीजें क्यों ना थीं, लेकिन वो हर साल माँ दुर्गा की पूजा करती थी। लेकिन इस बार सरला की स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। उसने सोचा कि इस बार वो पूजा कैसे करेगी, लेकिन सरला की श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। उससे अपनी तरफ से जो भी हो सका उसको इकट्ठा किया और घर में जो थोड़ी बहुत सामग्री थी उसी से उसने माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति बनाई और श्रद्धा भाव से उसकी पूजा शुरू कर दी। सरला की सच्ची भक्ति और श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि देवी दुर्गा स्वयं उससे प्रभावित हो गईं। माँ दुर्गा ने देखा कि सरला के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मन में कोई गिला शिकवा नहीं किया और श्रद्धा से उनकी पूजा की। एक रात को जब सरला पूजा करके सोने के लिए चली गई, तो माँ दुर्गा उसके सपने में आईं और माँ दुर्गा ने सरला से कहा, तूने अपनी गरीबी में भी कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। तेरी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह जब तू उठेगी तो तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा। सरला को विश्वास नहीं हुआ कि यह सपना सच हो सकता है, लेकिन उसने मन में सोचा कि चाहे सपना हो या हकीकत, वो माँ दुर्गा की पूजा कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह जब सरला सोकर उठी तो उसे अपने घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी और वो महिला बोली, अरे बेटी, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? सरला के पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस महिला से कहा, माँ, मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपके साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। फिर सरला ने थोड़ा सा खाना अपने बच्चों के लिए रखा और बाकी का सारा खाना उस बूढ़ी महिला को दे दिया। ये देखकर वो महिला मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी गरीबी में भी मुझे भूखा नहीं लौटाया, ये तुम्हारी महानता है। और जैसे ही वो महिला वहाँ से चली गई तो सरला को महसूस हुआ कि उसके घर के अंदर कुछ अजीब घट रहा है। उसने देखा कि जिस जगह उसने माँ दुर्गा की मूर्ति रखी थी वहाँ चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया था। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण पूरी तरह से बदलने लगा। सरला के घर के अंदर अचानक से सोने और चांदी के बर्तन प्रकट हो गए और खाने पीने की चीजें भी भरपूर मात्रा में हो गईं और घर एकदम नए जैसा दिखने लगा। सरला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। फिर उसको ध्यान आया कि वो बुजुर्ग महिला कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वो स्वयं माँ दुर्गा ही थी जो सरला की भक्ति की परीक्षा लेने आई थी। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया। वो समझ गई थी कि उसकी सच्ची श्रद्धा और सेवा भावना के कारण ही माँ दुर्गा ने उसे यह वरदान दिया है। फिर जब गांव के लोग सरला के घर आए तो उन्होंने भी यह चमत्कार देखा। वे सब अचंभित थे कि अचानक कैसे गरीब सरला का घर इतना समृद्ध हो गया।
जब उन लोगों ने सरला से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो सरला ने सबको अपनी कहानी सुनाई। फिर सब लोगों ने सरला की भक्ति और माँ दुर्गा की कृपा की सराहना की और सरला का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। सरला अब अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने लगी। सरला ने माँ दुर्गा द्वारा पाई गई संपत्ति को सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल नहीं किया, उसने माँ दुर्गा द्वारा दी गई संपत्ति को गांव के जरूरतमंद लोगों और गरीबों में भी बांटा। तो इस घटना ने ये साबित कर दिया कि माँ दुर्गा केवल भव्य पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वह सच्चे दिल और श्रद्धा से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होती हैं। सरला की इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हों। सच्ची भक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। नवरात्रि के बाद भी सरला ने माँ दुर्गा की पूजा जारी रखी। उसका जीवन भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका सरल स्वभाव और सेवा की भावना वही रही। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा विश्वास, सेवा और दया। सरला के जीवन का ये चमत्कार हमें ये भी सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में भी अदृश्य शक्तियां हमारी सहायता के लिए आ जाती हैं। ये कहानी हमें ये भी संदेश देती है कि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है, केवल सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और सेवा से ही हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सरला की ये कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही और नवरात्रि के दिनों में यह कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। इस कहानी ने ये संदेश दिया कि भक्ति का मार्ग सच्चाई, सेवा और श्रद्धा से भरा हुआ होता है और यही मार्ग हमें सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है।